हे गाइस, सो आई एम फाइनली कम बैक। सो गाइस, कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो बीच में अपलोड नहीं कर पा रहा था। एंड गाइस, अब मैं वीडियो रेगुलरली अपलोड करूँगा एंड जैसे मैं पहले करता था वैसे ही वीडियो अब आएगा। सो गाइस, अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मचाएंगे। सो गाइस, आपको तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज किस टाइप में एडिट होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट में शेयर कर लेंगे। एंड आपको तो पता ही होगा कि जो भी इसमें बैकग्राउंड एंड पीएनजी लगेगा वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो हमारा बैकग्राउंड पिक्सआर्ट में आ चुका है। सो प्लस के आइकन में जाएंगे, एडिट में जाएंगे एंड यहाँ पे शो अपना बैकग्राउंड जो मैंने शेयर किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एट फोटो में एंड अपने कटआउट को ले, तो मैं अपना कटआउट को ले लेता हूँ फटाफट। सो अपना कटआउट लाने के बाद यहाँ पे लगा देना है कुछ इस टाइप में। देख सकते हो अभी सही लग रहा है। सो सिंपली हम राइट पे क्लिक कर देंगे एंड इतना करने के बाद फिर से हम जाएंगे एड फोटो में एंड यहाँ पे एक पीएनजी लेंगे जिससे हमारा थोड़ा रियलिटी फील दे। तो यहाँ से मैं अपना पीएनजी ले लूँगा एंड इस पीएनजी को हम टायर के नीचे लगाएंगे इस टाइप से। तो थोड़ा सा नीचे से इरेज करेंगे इसको जिससे हमारा बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाइए। तो सही है, सिंपली यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा टायर जो है इसको ब्लर मारेंगे, फास्ट मोशन ब्लर मारेंगे। तो इफेक्ट में जाएंगे हम एंड ब्लर में एंड यहाँ पे मोशन ब्लर है, तो मोशन ब्लर को लेके यहाँ पे एंड इरेजर में जाएंगे एंड क्लियर ऑल, फिर ब्रश में जाके यहाँ पे हल्का हल्का ब्लर कर देंगे, साइज को छोटा करके कुछ इस टाइप में। बस अब सही लग रहा है, सिंपली राइट पे क्लिक कर देंगे। ओके, एंड इतना होने के बाद हमें अगर आपको फेस में ग्लो चाहिए तो आप फेस में ग्लो बढ़ा सकते हो। टूल में जाइएगा एंड एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को प्लस कर देंगे। ओके, एंड इरेजर में जाके क्लियर ऑल कर देना है एंड अपने फेस पे जहाँ पे आपको ग्लो चाहिए इस टाइप में चला देना। ओके, मैंने मार दिया अपने फेस में, लगा दिया एंड सिंपली राइट पे क्लिक कर देंगे एंड इतना करने के बाद हम सिंपली इस फोटो कर लेंगे सेव। तो दो में जाएंगे और अपने फोटो कर लेंगे सेव। तो गाइस, हमारा फोटो सेव हो चुका है एंड हमें जाना अब लाइट रूम में, वहाँ पे थोड़ा सा रिटचिंग करना है जिससे हमारा थोड़ा फोटो और रियलिस्टिक लगे। सो चलते हैं लाइट रूम में। गाइस, हम लाइट रूम में आ चुके हैं एंड लाइट रूम में आने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल करना होगा, सन के आइकन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हाईलाइट को कम कर देना है अराउंड 35, सही है। एंड शेडो को यहाँ पे प्लस करना है एंड यहाँ पे शेडो को मैं 30 रखता हूँ एंड वाइट को यहाँ पे 30 या 28 रखूँगा मैं। ओके, एंड ब्लैक को यहाँ पे कम कर देना है अराउंड -10, सही है। एंड कलर के ऑप्शन में आना है एंड मिक्स में जाना है एंड रेड को सेचुरेशन, जो रेड में आने के बाद सेचुरेशन को -2 कर देना। ओके, एंड यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली डन कर देंगे एंड नीचे आ जाएंगे क्लैरिटी ऑप्शन में एंड यहाँ पे हमें क्लैरिटी को बढ़ाना है। ओके, तो 10 कर दिया एंड थोड़ा सा विग्नेट कम कर देंगे। ओके, एंड नीचे स्लाइड करने के बाद आपको दिखेगा ग्रेन अमाउंट, ठीक है, तो ग्रेन को बढ़ा देना है लगभग 10-11, ठीक है।
एंड फिर से हमें नीचे आना है ये शार्पनेस ऑप्शन में एंड शार्पनेस को बढ़ा देना है यहाँ पे 85-86 रख रहा हूँ मैं एंड थोड़ा सा नॉइज रिडक्शन ओके एंड डिटेल थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट एंड कलर नॉइज को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड थोड़ा सा डिटेल ओके गाइस एंड हमारा फोटो पूरा एडिटिंग हो चुका है एंड आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत हमारा फोटो चेंज हो चुका है देख सकते हो। सो इस फोटो को हम सिंपली कर देंगे सेव अपने डिवाइस में। सो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेव टू डिवाइस कर देंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ओके। एंड अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।